कई बार इस प्रकार से लगता है कि शायद मुझे बेईमानी का पैसा हजम नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपकी कामयाब होने के चांसेस 50 से 100% हो सकते हैं। मैंने अपने बॉस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उनके इलीगल एक्टिविटीज़ के और मुझे जॉब से निकाल दी गई। लेकिन मैं कहूँगा कि गलत चीज़ को बर्दाश्त करना भी बेईमानी है। नमस्कार। आज इस अवध की धरती पर अपने आप को आप लोगों के बीच में पाकर आई एम सो हैप्पी। पिछले ही दिनों जब आपके यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स और आपके नोएडा यूनिट के कुछ लोग मेरे शो पे आए नोएडा में, उनसे मैंने वादा किया था कि जल्दी लखनऊ आऊँगा और वो संयोग इतनी जल्दी बैठेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन आप लोगों के बीच में आकर मैं बहुत खुश हूँ। किसी विषय पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो विषय है कि क्या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्या कामयाब होने के लिए ऑनेस्टी ज़रूरी है, ईमानदारी ज़रूरी है, या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डंडी मार भी लिया जाए तो कोई बुराई नहीं। तो उस विषय पर बात करें उससे पहले यदि आपके मन में कोई ऐसे प्रश्न, कोई बात ऐसी उठ रही हो जो आप शो शुरू होने से पहले कहना चाहते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू। आपकी कोई बातें हो तो उसका जवाब भी देना भी चाहूँगा, कुछ हो तो बताइए। मैंने आपके कई शोज़ देखे हैं सर, एंड यू आर माई आइडल। मैं अपने बिजनेस वर्ल्ड में आपको मैं अपना आइडल मानता हूँ। जब आपने जी चैनल शुरू किया, आपके एक शो में मैंने देखा कि आपने बताया कि जो शो की TRP थी वो काफ़ी कम हो गई थी एक टाइम पे, तो आपने कैसे ओवरकम किया? क्या आपको नहीं लगता ऑनेस्टी इसका एक रीज़न है जो आपने ओवरकम किया इससे? बैठिए मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए, TRP कम होना ज़्यादा होना, ये जिस प्रकार से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं उसी तरह बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट लाइफ में नहीं है, तो बिजनेस में ये मान लीजिए मीडिया का काम है तो उसमें TRP ऊपर नीचे होती है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली लगे रहें। और मेरा ऐसा मानना है कि आदमी की हार तभी होती है जब आप हार मान लें। कहें तो मैं वहीं नीचे आके आपसे इंटरेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल बहुत ऊंची स्टेज थी। हाँ, आपको क्या लगता है कि सच्चाई कामयाबी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है या थोड़ी ज़रूरी है? कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ अगर हम ऑनेस्ट हैं तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, और कोई? सर, मुझे ये पूछना था, हैव यू एवर एक्सपीरियंस लॉस्ट फ्रॉम डूइंग व्हाट इज़ राइट, और आपने ओवरकम कैसे किया उससे? मुसीबतें जब आती हैं ज़िंदगी में, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि वो ईमानदारी से ज़्यादा जल्दी ठीक की जा सकती हैं बजाय इसके कुछ मैनिपुलेशन करने के। Sir, my question is, we are talking about here honesty. Sir, in my point of view, I'm in the side of strength. Honesty is a strength in my point of view, because it's, influence transparency in yourself. Sir, in one of your show, I heard आपने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस कि आपके बिजनेस में एक बार ये हुआ था कि आपका जो सर प्रोडक्ट था, जो भी कॉमोडिटी थी, वो एक पार्टी जो है कॉम्पिटिटर को भी नहीं सेल होने देती थी, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स की कहीं वो आगे ना बढ़ जाए और वो प्रोडक्ट्स अपने पास ऐसा डंप कर रहे थे वो। तो सर, ऑनेस्टी, इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन योर सेल्फ, तो आप खुद के इन्वायरमेंट में को ऑनेस्ट कर सकते हो आप, बट हाउ कैन यू चेंज द ओवरऑल सिस्टम इफ़ यू आर ऑनेस्ट? सिस्टम इज नॉट ऑनेस्ट सर, देयर इज अ लॉट्स ऑफ अनएथिकल मीन्स इन द सिस्टम्स, तो हाउ कैन यू चेंज द सिस्टम्स बाई पुटिंग द एथिकल मीन्स थ्रू दिस ऑनेस्टी, थ्रू द टूल्स ऑफ ऑनेस्टी वी कैन से? बड़ा अच्छा सवाल है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। मेरे पास एक
हमारे इंडस्ट्री के जर्नलिस्ट आए, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक हैं वो, तो मुझे कहने लगे कि साहब मैंने अपने मुख्यमंत्री फलां को एक सलाह दी थी लेकिन उन्होंने सलाह नहीं मानी, इसलिए वो हार गए, इलेक्शन हार गए। मैं क्या सलाह थी आपकी? कह जी सलाह मैंने ये दी थी, देखो भैया किसी ईमानदार आदमी को रोंग साइड में रब मत कर देना। आपको बेईमान लोग मिलते हैं, भ्रष्ट लोग मिलते हैं, आप उनको कुछ भी करो, उठा के अंदर भी कर दो, जेल में भी डाल दो, कुछ भी कर दो आप, लेकिन कोई सच्चा आदमी अगर मिले उसके साथ पंगा मत लेना। तो आपने जो कहा सच्चाई के पर रहने के कुछ नुकसान हैं, लेकिन आज का युग का समाज में कोई भी व्यक्ति हो, देश में कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप अपनी ईमानदारी पर हैं तो आपसे लोग डरेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। ईमानदारी या ऑनेस्टी वो भी बहुत प्रकार की है। आप केवल पैसे के लेन देन में ईमानदार हैं वो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, सबको समझ आती है, लेकिन मैं आपको कुछ सिचुएशन आपको दूंगा, आप उनको सोच के बताएं मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों की निगाह में क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे वो पूरे ईमानदार थे कि नहीं? अगर मनमोहन जी की बात की जाए तो वो एक पूरे ईमानदार व्यक्ति हैं मेरे हिसाब से, और अगर इंडिया की भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो यही सोचते हैं कि मनमोहन सिंह ईमानदार व्यक्ति हैं। सोनिया गांधी के प्रसंग हम देखेंगे तो मनमोहन सिंह एक बहुत ईमानदार व्यक्ति थे उनके लिए, बट अगर हम इंडिया की जनता की नज़र से देखते हैं उन्हें तो शायद वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थे। मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह ईमानदार थे, किस प्रोस्पेक्टिव में, अगर पैसे की बात की जाए, उन्होंने कोई ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ करप्शन किया, बट मोरली मैं नहीं कह सकता कि वो करप्ट नहीं थे या मोरली, क्योंकि मैं अगर हूँ, मैं एक सपोज मैं कोई भी बंदा हूँ, अगर मैं पैसे तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास लोग गलत काम कर रहे हैं और मैं उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मोरली ये गलत है। जैसे करप्शन, अभी किसी भाई साहब ने शो शुरू होने के पहले कहा था कि करप्शन क्या होता है, दिक्कत क्या है हमारे समाज और हमारे देश में सर, हम करप्शन को सिर्फ एक लिमिटेड पैसे से जोड़ देते हैं, पैसा कभी भी तो करप्शन का एक बिल्कुल 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 आपने बड़ी अच्छी बात की, यही मैं आपसे आज इस शो में कहना चाहता हूँ। ये आम परसेप्शन है, रियलिटी चाहे कुछ भी हो, और देखिए ये बात मानिए आप, आज के युग में नहीं, किसी युग से ले लीजिए, जो जनरल परसेप्शन होता है उसी पे ही दुनिया चलती है। सीता जी जब राम और सीता ये सब वनवास से वापिस आ गए और फिर सीता को बाहर जाना पड़ा क्योंकि परसेप्शन जनता का ऐसे था कि वो गलत थी, तो राम को उसको त्यागना पड़ा, उनको वापिस भेजना पड़ा आश्रम में, अपने से अलग करना पड़ा।